गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार कटेवा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज अपन चर्चा करेंगे राज्य एवं सहकारिता। राज्य एवं सहकारिता क्या है, कैसे राज्य सहकारिता को सपोर्ट करता है, कैसे सहकारिता राज्यों में प्रारंभ हुई, कौन सी कमेटियाँ इसमें बैठी हैं, और राज्यों के अंदर रजिस्ट्रार जो हैं वो किस रूप में कार्य करते हैं, इन सब बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन भूमिका एवं राज्य सहायता की बात कर रहे हैं। भारत में सहकारी आंदोलन सरकारी नीति के रूप में ही प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन शोषण के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। शोषित वर्ग में आत्मविश्वास का नितांत अभाव था और वह कुछ भी नहीं कर सकता था। प्रारंभिक वर्षों में इस आंदोलन में सरकार का विशेष योगदान नहीं रहा, इससे इसकी प्रगति बहुत धीमी रही। इसके बाद यह अनुभव किया गया कि राज्य की सहायता के बिना यह आंदोलन विकसित नहीं हो पाएगा, इसलिए सरकार ने इस आंदोलन को पूरा समर्थन व संरक्षण दिया। सहकारिता को प्रारंभ करने का श्रेय सरकार को ही है। सरकार की सहायता के बिना इसकी सफलता डाउटफुल है। राज्य सहायता का इतिहास क्या कहता है? सबसे पहले सन 1904 में सरकार ने सहकारी समितियों से संबंधित अधिनियम पारित कर सहकारी आंदोलन को वित्तीय एवं नैतिक समर्थन प्रदान किया था। राज्य सहायता के रूप में पहला कदम यह उठाया गया कि केंद्रीय सरकार ने स्थानीय सरकारों को ग्रामीण समितियों की सहायता के लिए अधिकतम 2000 रुपये अग्रिम देने की अनुमति प्रदान की थी। इस अग्रिम राशि से सहकारी समितियों को पर्याप्त लाभ हुआ। राज्य सहायता के रूप में दूसरा कदम यह उठाया गया कि राज्य ने सहकारी समितियों के ऋण पत्रों पर गारंटी देना प्रारंभ कर दिया। इससे सहकारी समितियों को कम ब्याज पर ऋण प्राप्त होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर सहकारी आंदोलन सरकारी देखरेख में चलता रहा। इस समय तक केंद्रीय सरकार सहकारी संस्थाओं को ऋण अनुदान एवं सहायता देने तथा सहकारी विभागों के संचालन व्यय को पूरा करने का काम करती थी। सन 1919 के बाद केंद्रीय सरकार ने सहकारी आंदोलन के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंप दी। राज्य सरकारों ने सहकारी आंदोलन के विकास की जिम्मेदारी कुशलता से निभाई, परंतु सन 1945-46 तक सरकार ने इन्हें प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की। इस समय तक आंदोलन का विकास निजी पूंजी से ही प्रारंभ हुआ था। राज्य सहायता की सिफारिश के संबंध में सन 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने कहा था कि राज्य सरकारें आंदोलन की बाहर से सहायता ही नहीं करें, बल्कि वे विभिन्न स्तरों पर भागीदार भी बने और शीर्ष बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक साख समितियों में आर्थिक और संगठनात्मक शक्ति का संचालन करें, जिससे निहित स्वार्थ से प्रतिस्पर्धा की जा सके। सहकारी आंदोलन के विकास में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करते हुए सन 1964 में मृदा समिति गठित की गई थी। उसने कहा था कि राज्य को सहकारी आंदोलन को नियंत्रित करने की बजाय उसकी अभिवृद्धि और सहायता करनी चाहिए। इस आंदोलन को जन आंदोलन होना चाहिए, बनाना चाहिए और राज्य की सहायता इस प्रकार से देनी चाहिए कि वह उसकी अभिवृद्धि में सहायक हो, न कि हस्तक्षेप और नियंत्रण द्वारा इसका गला घोंट दे। इन समितियों की सिफारिशों को स्वीकृत करने के बाद राज्य सरकार, राज्य सहायता तथा सरकारी नियंत्रण का महत्व पहले से अधिक बढ़ गया। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि सहकारी आंदोलन के विकास से ही आर्थिक नियोजन को सफल बनाया जा सकता है। तो
ये इसकी भूमिका और राज्य सहायता का इतिहास रहा है। अब हम चर्चा करेंगे राज्य सहायता किन किन रूप में दी जाती है, किस रूप में राज्य सहायता सहकारी समितियों की सहकारिता की करता है, उसके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वैधानिक व्यवस्था, लीगल पोजिशन, लीगल प्रोविजंस। सहकारी आंदोलन के व्यवस्थित विकास के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इन्हें कानूनी स्वरूप प्रदान करे। इसके लिए सहकारी कानून बनाना आवश्यक है। सहकारी कानून के बाद सहकारी समितियों की स्थापना वैधानिक व्यवस्था अनुसार ही हो सकेगी। सहकारी विधान में समितियों के कार्य, वित्तीय व्यवस्था, पंजीयन, अधिकार एवं दायित्व, समापन, प्रबंधन व अन्य आवश्यक बातों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए जाते हैं। इससे किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं पनपती। सहकारी कानून के अंतर्गत सहकारिता के सिद्धांतों व नियमों की व्यवस्था की जाती है। यदि कोई समिति इन नियमों व सिद्धांतों का पालन नहीं करती तो उसे कानूनी मान्यता नहीं मिल पाती। हमारे देश में सर्वप्रथम सन 1904 में सहकारी अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के बनने से देश के विभिन्न भागों में सहकारी समितियां गठित होने लगी। यह अधिनियम केवल साख समितियों से ही संबंधित था, क्योंकि उस समय केवल सहकारी साख समितियां ही थी। जब सहकारिता का प्रभाव क्षेत्र दूर दूर तक फैलने लगा तो सन 1912 में एक संशोधित सहकारी अधिनियम पारित किया गया। इसका क्षेत्र साख व गैर साख समितियों तक रखा गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम तथा बैंकिंग अधिनियम में भी सहकारी संबंधी अनेक प्रावधान किए गए। कोई भी व्यावसायिक संगठन वैधानिक आधार पर ही सफलता प्राप्त कर सकता है। बिना कानूनी समर्थन के उनमें जनता का विश्वास नहीं पनप सकता तथा जन विश्वास के बिना संगठन सफल नहीं हो सकता। सहकारी संगठन को भी कानूनी आधार मिलने से जन विश्वास बढ़ा है। इसमें दूसरा पॉइंट जो दे रखा है वो है अन्य अधिनियमों से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अदर एक्ट्स। प्रोटेक्शन कैसे किया अदर एक्ट से? कुछ अधिनियम जैसे ऋण मुक्ति अधिनियम, साहूकार अधिनियम सहकारिता के विकास पर रोक लगाते हैं। अतः सहकारिता को इस प्रकार की रोक के से संरक्षण प्रदान करना चाहिए। ये अधिनियम भी सरकार द्वारा ही निर्मित होते हैं, अतः वह चाहे तो सहकारी समितियों को इनसे मुक्त रख सकती है। अगला पॉइंट है समितियों की स्थापना। सहकारी आंदोलन के विकास में आने वाली अड़चनों का अध्ययन कर उन्हें दूर करने के संबंध में सुझाव देने के लिए सरकार ने आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की समितियों की स्थापना की। इन समितियों की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने सहकारी व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किए। हमारे देश में सरकार ने समय समय पर अनेक अध्ययन दल व समितियां स्थापित की तथा इन समितियों द्वारा बताई गई सिफारिशों पर अमल किया गया। सन 1915 में मैकलेगन समिति, सन 1946 में सहकारी योजना समिति, सन 1951 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति तथा 1964 में मृदा समिति तथा अनेक अध्ययन दलों की नियुक्ति की गई। इन समितियों के सुझावों को मद्देनजर रखते हुए सहकारी विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए। जब से सहकारिता के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है तब से इन समितियों व विशेषज्ञ दलों के माध्यम से आवश्यक सुझाव प्राप्त कर उल्लेखनीय कार्यवाही की जा रही है। अगला पॉइंट आता है इसमें वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस। कई रूप से है राज्य सरकारें सहकारी विभागों के संचालन व्यय की पूर्ति के अलावा समितियों को ऋण, अनुदान, अंश पूंजी में हिस्सा लेना, गारंटी देना आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सहकारी आंदोलन आर्थिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों का आंदोलन है। उनके स्वयं के साधन बहुत सीमित हैं, अतः सरकारी सहायता अनिवार्य है। राज्य सरकारें सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता इन रूपों में प्रदान करती है। पहली है राज्य की साझेदारी। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने देश के बड़े आकार की साख समितियों की स्थापना का सुझाव देते हुए कहा था कि सरकार को समितियों की अंश पूंजी में भाग लेना चाहिए। मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर
राज्य की हिस्सेदारी के सिद्धांत का विस्तार किया गया तथा शीर्ष बैंक व केंद्रीय सहकारी बैंक में हिस्सेदारी को स्वीकार किया गया। दूसरा है राज्य साझेदारी, राज्य की साझेदारी के से अलावा दूसरा समितियों को ऋण, लोन टू सोसाइटीज। सहकारी समितियां राज्य सरकारों से ऋण प्राप्त करने की आशा रखती हैं। इन समितियों को ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं एवं अपनी सहकारी साख समितियों से ही ऋण प्राप्त करने चाहिए, परंतु कुछ मामलों में वित्तीय संस्थाएं ऋण प्रदान करने में असमर्थ रहती हैं, अतः सरकार ही इन्हें ऋण प्रदान करेगी। जैसे विपणन समितियों को गोदामों के निर्माण के लिए ऋण देना, राज्य सरकारों को ऋण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता लेनी पड़ती है, तो ये समितियों को ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सरकारी अनुदान व सहायता, ग्रांट इन एड बाई गवर्नमेंट। सरकार को सहकारी समितियों को अनुदान व सहायता प्रारंभिक काल से प्रारंभ कर देनी चाहिए। आरंभ में जब समितियां स्थापित होती हैं तो इनका व्यवसाय सीमित होने से आय बहुत कम होती है, जबकि संचालन व्यय बहुत ज़्यादा होता है। अतः ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिए सरकार अनुदान दे सकती है। यदि ऐसी व्यवस्था में सरकार सहायता प्रदान नहीं करेगी तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः सरकार को इनकी तब तक सहायता करनी चाहिए जब तक ये आत्मनिर्भर न हो जाएं और सुदृढ़ आर्थिक इकाई के रूप में कार्य न करने लगे। हमारे देश में प्राथमिक साख समितियों को प्रबंधकीय व्ययों की पूर्ति के लिए अनुदान व सहायता दी जाती है। विपणन समितियों को यह सहायता श्रेणीकरण, कर्मचारियों की नियुक्ति, उपकरण खरीदने, गोदाम बनाने तथा किराए पर लेने एवं उपभोक्ता कार्यक्रम चलाने के लिए मिलती है। केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से आवश्यक धन उपलब्ध करवाने का काम भी करती है। फिर अगला पॉइंट है इसमें सरकार द्वारा गारंटी, गारंटेड बाय गवर्नमेंट। यह सरकारी सहायता की अप्रत्यक्ष विधि है। इस विधि के अंतर्गत सरकार सहकारी समितियों द्वारा जारी किए गए ऋणों के मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान की गारंटी देता है। यदि सहकारी समितियां ब्याज व ऋण चुकाने में असमर्थ होती हैं तो सरकार स्वयं ऐसे ऋण व ब्याज चुकाने का वायदा करती है। इस प्रकार की गारंटी लेने से समितियों को ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है और इनको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। अगला पॉइंट इसमें आता है कर संबंधी रियायतें। केंद्रीय एवं राज्य सरकारें सहकारी समितियों को आयकर व उत्पादन कर में छूट देती हैं। राज्य सरकारें इन्हें रजिस्ट्रेशन फीस तथा स्टाम्प ड्यूटी में छूट देती है। ये रियायतें सभी राज्यों में अलग अलग सीमा तक प्रदान की जाती है। ऐसी छूट देने का उद्देश्य सहकारिता का अधिक विकास करना है। अगला मेन पॉइंट आता है अपना वित्तीय सहायता से के बाद में, अगला मेन पॉइंट वित्तीय सहायता में हमने 5 चीज़ें बोली हैं। अब इसके अलावा मेन पॉइंट आएगा सहकारी विभाग की स्थापना एवं संचालन। सहकारी व्यवस्था को और अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा सहकारी विभाग की स्थापना की गई है। राज्य सरकारों ने भी अपने राज्यों में सहकारी विभाग की स्थापना की है। उनके प्रबंधकीय व्ययों की पूर्ति भी सरकार द्वारा की जाती है। सरकार बजट में सहकारिता के लिए अलग प्रावधान रखती है। राज्य सरकारों द्वारा इस मद के लिए किए जाने वाले व्ययों में निरंतर वृद्धि हो रही है। अगला पॉइंट इसमें आता है तकनीकी सहायता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। सहकारिता के विकास के लिए सहकारिता को जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। इसके लिए सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण आवश्यक है। राज्य सरकारें इस दिशा में आवश्यक व्यवस्था करती हैं। राज्य सरकार सहकारी समितियों को विशेषज्ञों की सहायता, तकनीकी सहायता, शिक्षा एवं प्रचार प्रसार की सुविधा उपलब्ध करवाती है। राजस्थान में ग्रामीण समितियों को पंचायत समिति के अधिकारी तकनीकी सलाह देते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि अधिकारी, सहकारी अधिकारी, पशुपालन अधिकारी भी सहकारी समितियों को उचित मार्गदर्शन देते रहते हैं। नैतिक समर्थन और सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं। सरकार ने सहकारी विभागों की स्थापना समितियों की सेवा के लिए ही की है। इन विभागों के अधिकारी सहकारी समितियों को निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं।
जबकि इनका पूरा वे सरकार उठाती है। यह विभाग समितियों के अंकेक्षण निरीक्षण व पर्यवेक्षण की समुचित व्यवस्था करता है। इसके साथ ही सहकारी आंदोलन को सरकार का अनेक विधियों से नैतिक समर्थन भी प्राप्त रहता है। लास्ट पॉइंट है इसमें आर्थिक सुदृढ़ता। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने सहकारी आंदोलन को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए। सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के तहत आर्थिक दृष्टि से निर्बल व कमजोर दो या दो से अधिक समितियों को मिलाकर एक सुदृढ़ इकाई बनाने की व्यवस्था की गई, जिससे कमजोर इकाइयों में आत्मविश्वास जागृत हो और सबल इकाइयां बन सके। भविष्य में भी सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। ये राज्य सहायता के विभिन्न स्वरूप हैं जो हमने चर्चा की। अब आगे आता है मेन पॉइंट, राज्यों में सहकारी विभाग किस प्रकार से कार्य करता है और इसमें पंजीयन के रजिस्ट्रार की क्या स्थिति है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इन स्टेट्स। राज्यों को सहकारी आंदोलन के विकास की जिम्मेदारी सौंपने के बाद राज्यों में सहकारी विभाग का गठन किया गया। यह विभाग भी राज्य के अन्य विभागों की तरह काम करता है। इसके द्वारा किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए बजट में प्रावधान किया जाता है। सहकारी विभाग के लिए कानून बनाने का अधिकार भी राज्य सरकारों को प्राप्त है। इन अधिकारों के अंतर्गत राज्य सरकारों ने झगड़ों को निपटाने, लाभ हानि का बंटवारा करने, लाभांश की अधिकतम दर निर्धारित करने, इनके संबंध में नियम व उपनियम बनाए हैं। इन नियमों व उपनियमों को कार्यान्वित करने व सहकारी विकास में सहयोग को सार्थक करने के लिए सहकारी विभाग का गठन किया गया। इससे सहकारी आंदोलन का व्यवस्थित व समन्वित विकास हो सकेगा। राज्य के सहकारी विभाग पर भी राज्य में सहकारी आंदोलन के विकास का दायित्व होता है। पंजीयक की स्थिति, रजिस्ट्रार जो होता है उसकी क्या स्थिति रहेगी। सहकारिता का पंजीयक सहकारी विभाग में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। सहकारी आंदोलन की सफलता इसकी योग्यता, कुशलता व इसकी सहकारी भावना पर निर्भर करती है। अतः रजिस्ट्रार या पंजीयक एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सहकारी विचारधारा का समर्थक हो। सहकारी प्रशासन पर समिति कमेटी ऑन कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ने रजिस्ट्रार के बारे में कहा है कि रजिस्ट्रार अब एक सबसे अधिक माध्यम है जिसके द्वारा लोकतंत्रीय सरकारों को अपनी उत्कृष्ट सामाजिक व आर्थिक आकांक्षाओं को प्रभावकारी बनाना पड़ता है। उसे सरकारों के आदर्शों का अवशोषण करना तथा गैर अधिकारी नेतृत्व के परामर्श से निश्चित रूप देना पड़ता है। साथ ही उसे प्रशासनिक वास्तविकता बनाए रखना तथा लोकप्रिय सरकारों को उचित परामर्श देना पड़ता है। रजिस्ट्रार सहकारी विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। इसे राज्य सरकार की सहकारिता संबंधी नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है। रजिस्ट्रार की सहायता के लिए एक उप रजिस्ट्रार व सहायक रजिस्ट्रार भी होते हैं। सहकारी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार का कार्य समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करना, उनकी जांच करना, समितियों के उपनियमों व उनमें संशोधन की रजिस्ट्री कराना, संपत्तियों व दायित्वों का मूल्यांकन करना, अवधि पार ऋणों की सूची तैयार करना, निरीक्षण व अंकेक्षण कराना, समितियों को भंग करना व उनका समापन करना, ये सब कार्य उन रजिस्ट्रार को करने होते हैं। रजिस्ट्रार इस बात का भी ध्यान रखता है कि सहकारी अधिनियम के नियमों व उपनियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। राज्य के विभिन्न जिलों में सहकारिता के समन्वित विकास की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार की होती है। इस दृष्टि से रजिस्ट्रार एक योग्य, कुशल, अनुभवी सहकारी विशेषज्ञ एवं समर्पित व्यक्ति होना चाहिए। बच्चों, आज अपन राज्य एवं सहकारिता के बारे में डिस्कशन किया, अभी यहीं इस व्याख्यान को विराम देते हैं। धन्यवाद।